अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये गीज है और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेरी ये फीमेल है वो ब्रूडी हो गई है, मतलब खुड़ूक होकर अपने अंडों पर बैठ गई है। तो इसने टोटल मिला के 7 अंडे दिए थे और ये अपने अंडों पर हैचिंग के लिए बैठ गई थी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अपने अंडों पे बैठने के बाद 28 से 32 दिनों के अंदर अपने अंडों से बच्चे निकालना स्टार्ट कर देती है। तो अब 28वां दिन है और मेरी गीज ने अपने बेबीज़ हैच करना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बेबीज़ दिखाता हूँ। अभी सुबह का वक्त है, ये जस्ट अपने बेबीज़ हैच ही कर रही है। देखिए अभी इसने मेरे ख्याल से 5 अंडे हैच कर दिए हैं। तो अभी जो इसके बेबीज़ है वो इसके पंखों के नीचे है। ये मेल मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बेबी है और पूरे येलो कलर के हैं। येलो कलर के हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे जाकर जब बड़े होंगे तो भी पीले कलर के ही होंगे, ऐसा नहीं है। ये आगे जाकर सफ़ेद कलर के होंगे। ये जो पीला रंग है अभी इनके ऊपर, ये इनके मुलायम से फर है जो बड़े हो जाने तक झड़ जाएंगे और इसके आगे अच्छे से सफ़ेद से पंख इनके ऊपर आ जाएंगे। अगर इनमें अगर कुछ काले सफ़ेद बेबीज़ हो तो उनके ऊपर काले कलर के फर आ जाते हैं, मतलब काले कलर के स्पॉट आ जाते हैं। तो इनमें तो नहीं है इसके स्पॉट, ये सारे सफ़ेद ही हो गए। अभी 5 बेबी निकाले हैं और ये 2 अंडे बाकी है और 2 अंडों में से भी इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे। जब पूरे 7ों के 7ों बच्चे निकल जाएंगे तब भी मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी तो ये मेल मुझे बहुत काट रहा है। मैंने जैसे बताया था कि अपने बेबीज़ के मामले में बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है और अपने बेबीज़ की और फीमेल की बहुत अच्छे से केयर करता है। अगर आपको आपको इनसे लगाव हो जाएगा अगर आप इन्हें अपने घर में पेट बोल के ले आओगे तो। और कई लोग कहते हैं कि ये काटते हैं, इतने ज़ोर से नहीं काटते। और अगर हम इनके हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं तो ये हमें बिल्कुल काटेंगे नहीं, एकदम शांत पंछी है ये। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम इन्हें मछली फार्म पे पाल सकते हैं कि, तो हाँ बिल्कुल पाल सकते हैं। ये एक तरह का गार्ड का काम करता है और हर कोई नया इंसान, नया जानवर कोई ख़तरा दिखे तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और इसकी आवाज़ बड़ी होती है बहुत, कम से कम 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ चली जाती है। और अंडे तो ये साल में 1 या 2 बार दे देते हैं, पर मेरी तो गीज है वो 1 बार ही अंडे देती है हमारे यहाँ। और कई लोग कहते हैं हम इसे मांस के लिए पाल सकते हैं क्या, तो नहीं। हम हर चीज़ पैसे के लिए थोड़ी ही होती है, कुछ शौक़ भी होते हैं। और ऐसे भी हम अगर इसे सेल करेंगे तो इसके पैसे आ ही जाएंगे, हर चीज़ को पैसे में नहीं ना तोल सकते हम। और बीमारी इसे बहुत कम लगती है। अब मेरे यहाँ मैं इसे लेके आया हूँ, 7th मंथ हो गए हैं लेकिन अभी तक इसे कोई बीमारियाँ नहीं लगी। बीच में मेरी मुर्गियों को बहुत बड़ी बीमारी आई थी, फिर भी इन्हें कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक ठाक रहे हैं। इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है बाकी पंछियों के मुकाबले, और इन्हें किसी तरह की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती। और प्राइस का बोले तो इसके हर अलग अलग सिटी में अलग अलग तरह की इसकी प्राइस होती है। हमारे यहाँ जो प्राइस है वो ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ भी वही प्राइस हो, कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि अब रहे हुए इसके 2 अंडे भी निकल जाए, और जब 7ों के 7ों अंडे निकल जाएंगे तब मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि इन्हें खाने के लिए छोड़ना चाहिए नहीं अंडों में से, तो हाँ हमें इन्हें अंडों पे से कम 2 दिन के गैप से इन्हें छोड़ देना चाहिए फीमेल को अंडों पे से खाने के लिए, नहीं तो वो वीक हो जाती है। अगली वीडियो में मैं पूरी तरह से इनकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।